वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। तो देखिए, आज हम एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं आपके लिए। ये एक एडजस्टेबल नलिंग टूल है जिसके सारे पार्ट्स हम एक एक करके क्रिएट करने वाले हैं, बट हम यहाँ पर ये पूरी असेंबली एक वीडियो में हम क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम हर वीडियो में हर एक पार्ट अलग से क्रिएट करेंगे और उसका ट्यूटोरियल आप तक पहुँचाएंगे। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और इसके सारे पार्ट्स जो हम ट्यूटोरियल के रूप में वीडियो बना रहे हैं वो सारे एंड तक देखिएगा आप, क्योंकि मैं इसके सारे पार्ट्स एक एक करके हर ट्यूटोरियल को वीडियो के रूप में आपके पास लेकर आऊँगा। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को बनाएंगे जो पीछे ये मेन स्लाइड है, और इसका जो भी इन सारे पार्ट्स के ड्राइंग आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और ट्यूटोरियल हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मेन स्लाइड है उसका ड्राइंग हम पहले क्रिएट करेंगे, उसकी डिज़ाइन हम सबसे पहले बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक न्यू पार्ट क्रिएट कर लिया है। अब ये न्यू पार्ट क्रिएट करने से पहले मैं आपको इसका 2D ड्राइंग दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारा 2D ड्राइंग है। ये देखिए, यहाँ पे ये जो मेन स्लाइड है ये हम अभी क्रिएट करने वाले हैं। तो इसमें देखिए, ये सिंपल से डायमेंशन है यहाँ पर, ये 76.20 यानी कि 3 इंच, ये साइज 3 इंच है और यहाँ पर ये 5 इंच। फिर यहाँ पे कुछ ब्रांडिंग हमने यहाँ पे अप्लाई की है रैप फीचर का यूज़ करके, यहाँ पर देखिए इस तरह से। तो ये वाली स्लाइड का जो डिज़ाइन है वो सिंपल है, तो इसका ड्राइंग आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और स्केच, तो यहाँ पर आपको सेंटर रेक्टेंगल यहाँ पे एक्टिवेट करना है। फिर यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट से इस तरह से ड्रैग करेंगे तो एक रेक्टेंगल हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। इसे ड्रॉ करने के बाद इसकी साइज़ अप्लाई करेंगे हम हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग। इसकी साइज़ 3 इंच है तो हमें यूनिट चेंज नहीं करने हैं, डायरेक्टली आपको क्या करना है 3IN और फिर एंटर कर देना है, तो यहाँ पे 3 इंच अप्लाई हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे 5 इंच, तो 5IN आपको IN टाइप करना है तो वो इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे आपको MM में दिखेगा। फिर यहाँ पे फीचर में जाएंगे और एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक्सट्रूड बॉस अप्लाई कर दिया हमने, तो इसकी साइज़ हम अप्लाई करेंगे 22 mm और फिर सिंपली ओके कर देना है। अब हमें यहाँ पर टॉप प्लेन सिलेक्ट करना है, स्केच, यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लाइन टूल एक्टिवेट करने के बाद इस तरह से एक स्केच ड्रॉ करना है। मिरर एंटिटी में जाएंगे और ये सारी लाइन हमें सिलेक्ट कर देनी है और इसे मिरर कर देना है। मिरर करने के बाद यहाँ पर अब साइज हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे इसकी साइज रहेगी 45 mm और फिर यहाँ पर इसकी साइज रहेगी 56.20। अब इस तरह से इसका एंगल रहेगा 70 डिग्री। इसकी हाइट 8 mm बाय डिफॉल्ट यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे 70 डिग्री अप्लाई कर दिया तो इसकी हाइट 8 mm ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होगी। अब फीचर में जाएंगे और एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे। एक्सट्रूड कट अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखिए डायरेक्शन, तो यहाँ पे थ्रू बोथ साइड और फिर सिंपली ओके कर देना है। फिर यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच। अब हमें यहाँ पर ऑफसेट एंटिटी यहाँ पे 13 mm अप्लाई करनी है, बट रिवर्स साइड, फिर ओके कर देना है। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को डिलीट कर देना है और यहाँ पे बॉटम वाली लाइन को भी डिलीट कर देना है। अब हमें इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है और कोइंसिडेंट करना है। इसे मैन्युअली हम इस तरह से ड्रैग कर देते हैं,
फिर यहाँ पर इसे भी मैन्युअली ट्रैक करते हैं, और यहाँ पे बॉटम में इसके साथ कोइंसिडेंट रिलेशन इसका सेट हो जाएगा। लाइन टूल एक्टिवेट करना है और यहाँ पे इन दोनों को मिला देना है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है दोनों साइड में, फिर ओके कर देना है। अब हमें फीचर में जाके एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है लाइन, और फिर यहाँ पर साइज हम अप्लाई करेंगे 0.5 mm। यहाँ पर हमें चैम्फर एक्टिवेट करना है, और चैम्फर हमें यहाँ पर अंदर की साइड में, चैम्फर की साइज रहेगी 1 mm। इन दोनों कॉर्नर को हमें सिलेक्ट कर देना है और फिर ओके कर देना है। फिर यहाँ पे इसकी बैक साइड जो है, बैक फेस, इसे सिलेक्ट करना है स्केच, और यहाँ पर एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे 1 IN, 1 IN टैब की प्रेस करनी है, फिर यहाँ पे 1 IN और फिर एंटर कर देना है। देखिए यहाँ पे 1 inch, ओके, और यहाँ पे इसकी साइज 1 inch। तो इस तरह से देखिए इस ये रेक्टेंगल की साइज 1/1 हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है, 25.4, ये 1 inch में इसकी साइज mm में इतनी रहती है। और फिर फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करेंगे, एक्सट्रूड बॉस अप टू 125 mm, फिर ओके करना है। फिलेट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फिलेट एक्टिवेट करना है, फिलेट में हम यहाँ पर 6 mm अप्लाई करेंगे। सिंपली इस यहाँ पे इस कॉर्नर को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे देखिए इस वाले ऑप्शन को राइट लूप 3 edges इसे सिलेक्ट कर देना है, फिर ओके कर देना है। अब यहाँ पर टॉप फेस को सिलेक्ट करना है स्केच, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे हमें ब्रांडिंग देनी है इसका बार को, यहाँ पे जो इसका पार्ट नंबर है वो पार्ट नंबर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे रैप फीचर की मदद से। तो इसकी साइज यहाँ पे इस फेस से 10.5 mm, और सिंपली एंटर कर देना है। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट वाला एक फीचर है, इसे एक्टिवेट करना है, स्लाइन को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे हैज 1, 4, 5, 6, 8, 4, 7, 6, 3, 2 ये इसका पार्ट नंबर है, इसे सेंटर में ले लेते हैं हम। फिर यहाँ पे सिंपली यूज डॉक्यूमेंट टूल, इसे अनचेक करेंगे, फिर यहाँ पे फॉन्ट में जाएंगे। फॉन्ट में जाने के बाद यहाँ पे इसकी साइज हम इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर हम 18 पॉइंट इसका अप्लाई कर देते हैं, और फिर सिंपली ओके कर देना है, इसे भी ओके कर देना है और एग्जिट कर देना है। अब हमें यहाँ पे देखिए फीचर वाला टैब ओपन करना है, और यहाँ पे एक रैप फीचर है, इसे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ देखिए यहाँ पे स्केच ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अब फेस यहाँ पे आपको कौन सी फेस पर अप्लाई करना है, तो हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे देखिए रैप टाइप, तो यहाँ पे सबसे पहले एम्बोज, फिर डिबोज, फिर यहाँ पे स्क्राइब, तो स्क्राइब हम सिलेक्ट करेंगे और फिर ओके कर देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे इसका कोड सेट हो गया है, पार्ट नंबर। इसी तरह से इस वाली फेस को सिलेक्ट करेंगे स्केच, यहाँ पर भी हम ब्रांडिंग इसकी अप्लाई करने वाले हैं। लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी हाइट अप्लाई करेंगे 18.5 mm। फिर से टेक्स्ट यहाँ पे ओपन करना है, और यहाँ पे अब कैप्स लॉक आपका जो
कीबोर्ड है इस पर एक्टिव ऑन कर देना है या डायरेक्ट शिफ्ट की से कैपिटल लेटर यहाँ पे टाइप करने हैं WIDIA space X। अब फिर से यहाँ पे फॉन्ट इसकी इसके फॉन्ट हम इंक्रीज करने वाले हैं, तो यहाँ पर इस बार पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसकी साइज़ रखेंगे 36 और फिर ओके कर देंगे। फिर से फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ पर इसका टाइप जो फॉन्ट की स्टाइल है वो स्टाइल चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पे एरियल, फिर यहाँ पे रेगुलर और फिर ओके करेंगे। एग्जिट फीचर टैब में जाना है, रैप फीचर एक्टिवेट करना है, फेस को सिलेक्ट करना है, फिर से इस यहाँ पे स्क्राइब सेट करेंगे और फिर ओके कर देंगे। तो देखिए हमारा ये स्लाइड यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पर इसका अपीयरेंस अप्लाई करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, फिर यहाँ पे मेटल में जाएंगे, मेटल में जाने के बाद यहाँ पे स्टील सिलेक्ट करना है, स्टील में हम यहाँ पे सैटिन फिनिश स्टेनलेस स्टील इसे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पॉलिश स्टील, तो पॉलिश स्टील में देखिए हमें इस वाली फेस को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे पॉलिश स्टील अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे इनर जो फेस है इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे कास्ट स्टेनलेस स्टील से यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पार्ट हमने क्रिएट कर लिया है, इसे हम अपने एक हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है उसमें सेव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज ये हमने फर्स्ट पार्ट क्रिएट कर लिया है एडजस्टेबल नलिंग टूल का। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आगे आपको मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।